जब मैं अपने उन वसवसों और अंदेशों का कोई मुनासिब हल न ढूंढ पाया तो हस्ब मामूल मसले को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद के आसरे पर जूं का तूं छोड़ दिया। हमारी धरती पर कई सौ साल से काबिज अंग्रेज अपने हालात से मजबूर होकर इस देश का बंटवारा करने पर मजबूर हो गए थे। जिन्ना साहब होशियार थे, उन्होंने अपनी कौम के लिए अलग वतन मांग लिया। अक्सरियत अपने वतन के लिए खालिस्तान नाम पर मुत्तफिक। ये नाम हमारी कौम के एक दूरंदेश सपूत डॉक्टर वजीर सिंह भट्टी ने मार्च 1940 में एक पंफलेट में तजवीज किया था। ट्रेन बंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई अपने अगले स्टेशन दादर की तरफ रवाना हुई तो अपनी जिंदगी का ये बाब पूरा होने पर मैंने गहरी सांस भरी और खुद को आइंदा के लिए जहनी तौर पर तैयार करते हुए मैंने अपने कैबिन में मौजूद हम सफरों पर निगाह दौड़ाई। वो कुल 8 अफराद पर मुश्तमिल एक सिख घराना था, मियाँ बीवी पर मुश्तमिल एक बुजुर्ग जोड़ा, उनका उधेड़ उम्र बेटा और बहू, दो पोतियाँ और दो पोते। उनमें से एक लड़के की उम्र 14-15 साल जबकि दूसरे लड़के की उम्र 11 साल के लगभग रही होगी। दोनों बच्चों की उम्र अंदाजन 9 और 7 साल दिखाई दे रही थी। इन सब अफराद के मुझसे वाज़े तौर पर बदजन नजर आने की वजह ये थी कि मैं उस खानदान के दरमियान कबाब में हड्डी बनकर खिड़की के साथ वाली नशिस्त पर बैठा हुआ था, जबकि मेरे उस नशिस्त पर काबिज होने की वजह से बड़े वाले लड़के को सामने वाली सिंगल सीट पर बैठना पड़ा। इस सूरत हाल के बावजूद मैंने फौरी तौर पर कोई रद्द अमल दिखाना जरूरी न समझा और बेनियाजी से खिड़की के बाहर बंबई शहर के शहरियों को बेदार होते और एक मसरूफियत भरे नए दिन की तैयारी करते देखता रहा। फजा में मौजूद खासी तेज नम आलूद ठंडक खिड़की के बंद शीशे से भी अंदर घुसी चली आ रही थी। मेरे सामने खिड़की वाली नशिस्त पर दोनों बच्चियों का कब्जा था और वो दोनों शीशे के ऐन करीब बैठने के लिए आपस में जोर आजमाई कर रही थी और शोर मचाने पर माँ बाप से डांट खा रही थी। मेरे पहलू वाली नशिस्त पर लंबे तड़ंगे भारी भरकम बुजुर्ग सरदार जी मोटे से खेस में लिपटे भारी भरकम सुर्ख पगड़ी सजाए बैठे थे। उनके पहलू में उनसे कम से कम 1.5 फुट छोटे कद और लगभग निसफ वजन वाली सरदारनी बराजमान थी, जबकि आखिरी नशिस्त पर छोटा लड़का बराजमान था। बड़ी भी मेरी मौजूदगी से सबसे ज्यादा नाला थी और खूंखार नजरों से बार बार मुझे घूरती। उनका बेटा भी अपने बाप की तरह तवील कामत और गरांडील था, जिसे गालिबन अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बेबे से पूछ लेता था कि वो आराम से तो बैठी हैं, कुछ खाने पीने को तो नहीं चाहिए, और माँ हर बार अपने बिष्णु काके के वारी सदके जाती। बड़ी बी की तरह उनकी बहू की तवज्जो का मरकज भी उसका अपना बेटा था, जो उसके सामने ही अकेली सीट पर बैठा हुआ था, और माँ बेटा दोनों वक्तन फवक्तन आपस में बातें कर लेते थे। उधेड़ उम्र होने की वजह से सरदारनी काफी मुतनासिब बदन थी और उसके गोरे चिट्टे चेहरे पर भी ताहाल बढ़ती उम्र के आसार गहरे नहीं हुए थे। लगभग 15 मिनट बंबई ही में सफर करने के बाद पंजाब मेल दादर के रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। मुझे पता था कि ट्रेन यहाँ बमुश्किल चंद मिनट ही रुकेगी। इसी स्थान में एक चाय वाले ने शीशा खटखटा कर अपने हाथ में मौजूद चाय की तरफ इशारा करके कोई नारा लगाया। मैंने जल्दी से शीशा ऊपर किया और चाय का एक कप लेकर दोनों बच्चियों की तरफ बढ़ा दिया। बच्चियों के दादा दादी ने छिड़क कर, बाप ने घूर कर बच्चियों के चाय कबूल करने से मना किया, लेकिन बच्चियां उनकी सरजनिश नजरअंदाज करके चाय पीने में पहल पर झगड़ रही थीं। इस असना में मैंने एक और प्याली लेकर बुजुर्ग सरदार जी को थमा दी। उन्होंने मजाहमत जाहिर की तो मैंने एहतराम भरे लहजे में पंजाबी में कहा, ले लें जनाब, सर्दी है, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। मेरे लहजे ने बुजुर्ग पर फौरी मुस्बत असर किया, तहम उन्होंने चाय की वो प्याली अपनी घरवाली की तरफ बढ़ा दी। बड़ी बी ने मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक प्याली की तरफ हाथ बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन सरदार जी के घुरकने पर उसे बादल नखास्ता चाय कबूल करना पड़ी। इस दौरान मैं सरदार जी के लिए भी चाय की कुलैया ले चुका था। इस मौके पर विष्णु काके ने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बाकी चारों अफराद के लिए वो खुद चाय खरीदेगा। मैंने उसकी बात मान ली। मेरी इस पेशकदमी ने चंद मिनटों में उस खानदान का मुझसे रवैया बदल कर रख दिया, हत्ता कि बड़ी बी की तेवरियों के बल भी जायल हो गए। फिर मैंने मजीद खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए बादजां, जब मैं गगनदीप सिंह यानी छोटे सरदार के जेर कब्जा तन्हा नशिस्त के बदले रजाकाराना तौर पर अपनी नशिस्त से दस्तबरदार हुआ तो उनके दिलों में मौजूद रही सही रंजिश भी दूर हो गई। अब कैबिन में नशिस्तों की तरतीब बिल्कुल तब्दील हो गई थी, यानी खिड़कियों के साथ वाली दोनों सीटों पर अब चारों बच्चे काबिज थे। उनके साथ उनकी माँ और दादी बराजमान थी और आखिरी नशिस्तें बुशनदीप और उसके वालिद ब्रह्मदीप सिंह ने संभाल ली थी।
उस खानदान के मुखासमाना तेवरों से जान छुड़ाने के बाद मैंने उन्हें नजरअंदाज करके एक किताब खोल ली और खुद को मुताले में मशगूल करने की कोशिश की। बम्बई के मजाफात पीछे छोड़ने के बाद गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। बच्चे भी इब्तदाई जोशो खरोश धीमा पड़ने पर अब पुरसकून हो गए थे और अब दोस्ताना अंदाज में खिड़की से बाहर भागते दौड़ते मंजर से लुत्फंदोज हो रहे थे। इस दौरान में सास और बहू तो कभी कभार ही आपस में बातें कर रही थीं। अलबत्ता बाप बेटे के दरमियान सियासत और माशी मसाइल से लेकर जमीन जायदाद तक के मामलात पर मुसलसल गपशप चलती रही। कानों में पड़ने वाली बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि भूषणदीप बम्बई में चावलों की तिजारत से वाबस्ता है, जबकि बड़े साहब यानी इब्राहिमदीप सिंह छाजली नामी कस्बे के मजाफात में कई मुरब्बा जरई जमीन के मालिक हैं, जिसे उनका बड़ा बेटा संभालता है। बुजुर्ग सरदार और सरदारनी अपने बेटे भूषणदीप के पास 2 महीने गुजारने के बाद उसके अहले खाना को साथ लेकर गाँव वापस जा रहे हैं। उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि भूषणदीप अपने बड़े भाई अमरदीप के लिए मोहब्बत आमेज एहतराम के जज्बात रखता है और उसी की फरमाइश पर एक माह के लिए गांव जा रहा है। मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अपने आइंदा लाह अमल पर गौर करने लगा। मुझे भटिंडा से बचने के लिए मानसा के छोटे से रेलवे स्टेशन पर उतरना था, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ट्रेन रात के तीसरे पहर वहां पहुंचेगी। मुझे ये उलझन दरपेश थी कि इतनी रात गए मैं सर्दी में कहां पनाह ढूंढूंगा। इतने छोटे से कस्बे में किसी होटल या मुसाफिर खाने की तवक्को तो अबस ही थी। रेलवे स्टेशन पर टिकट घर और स्टेशन मास्टर के मुश्तरिका कमरे के अलावा कोई सर छुपाने की जगह नहीं थी। खुदा जाने वहां से बस अड्डे जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी भी या नहीं, और अड्डे पर पहुंचने के बाद सुबह तक का इंतजार करना पड़ गया तो मैं कैसे पंजाब की बर्फीली रात गुजारूंगा। जब मैं अपने उन वसवसों और अंदेशों का कोई मुनासिब हल न ढूंढ पाया तो हस्बे मामूल मसले को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद के आसरे पर जूं का तूं छोड़ दिया। इस दौरान में सरदार बाप बेटा आपस में बातों से गालिबन ऊब गए थे और अब भूषणदीप सिंह सीट से सर टिकाए ऊंग रहा था। मुझे मुतवज्जे पाकर बुजुर्ग सरदार जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने बिला तकल्लुफ ठेठ पंजाबी में मुखातिब किया, बेटा नाराज ना हो तो पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी मंजिल कौन सी है। मैंने पंजाबी में ही खंदा पेशानी से जवाब दिया, कहा, जी मेरा नाम तेग बहादुर सिंह है, मैं लंदन में रहता हूँ, 2 माह पहले हिंदुस्तान आया था और अब जिंदगी में पहली मर्तबा पंजाब जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। उसने बेयकीनी से मुझे देखा और फिर तस्दीक चाही, बेटा तुम वाकई सरदार हो। मैंने कदरे तेज लहजे में कहा, जी हाँ, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, यहाँ हर कोई मेरी बात पर शक करता है। मेरी पैदाइश इंग्लैंड की है और मेरे वालिद ने सरदारों वाला हुलिया या मजहब अपनाने पर कभी मजबूर नहीं किया, अगर उनकी वसीयत ना होती तो मैं कभी हिंदुस्तान ना आता। मेरे लहजे में नाराजी की झलक महसूस करके वो कुछ बौखला गया। बोला, बेटे नाराज क्यों होते हो, बुरा लगा है तो माफी दे दो, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मोने सिख हैं, बहुत से मजहबी तालीमात पर भी बराए नाम अमल पैरा होते हैं, खुद मेरा भी यकीन है कि असल धर्म तो इंसानियत है। उसे दिलशिकनी के एहसास से शर्मिंदा पाकर मैंने कहा, नहीं नहीं बुजुर्गवार, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें, मैं आप पर नाराज नहीं हूँ, बस ऐसे ही लोगों का रवैया याद आ गया था। मुझे पता है कि मैं बराए नाम सिख हूँ, लेकिन मुझे अपने बाप की दी हुई पहचान पर फख्र है। वो बंटवारे से बहुत साल पहले लाहौर से लंदन चले गए थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के बाद अपने आप को हमेशा हिंदुस्तानी समझा और गैर मुल्क में मुकीम हिंदुस्तानी की हैसियत से अपनी शनाख्त करवाई। इब्राहिमदीप सिंह जी मेरी बात सुनकर कुछ जज्बाती हो गए, बोले, तुम्हारा बाप बहुत अजीम था बेटा, जो विलायत की धरती पर हिंदुस्तान की मोहब्बत का दम भरता रहा, वरना अब तो खुद हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत से सिख अपने अलग देश के लिए आवाज उठाने लगे हैं। मैं जानता था कि भूषणदीप सिंह भी हमारी गुफ्तगू के आगाज ही में बेदार हो चुका है और दिलचस्पी से हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। इस मरहले पर उसने मुदाखलत की, बोला, पिताजी आपको कितनी बार समझाया है कि ये देशभक्ति का राग अब छोड़ दो, आप जैसे बुजुर्गों की गलती की सजा हमारे बच्चे जाने कितने अशरों तक भुगतेंगे। भूषणदीप की अचानक मुदाखलत और तंजिया लहजे में मुखालिफाना बात से उसका बाप कुछ शर्मिंदा हो गया। बोला, बेटा हमने जो कुछ किया अच्छी नीयत से किया था, उस वक्त की सूरत हाल का यही तकाजा था, लेकिन इस बच्चे के सामने तो ऐसी बात न करो, ये भी सिख बच्चा है जो लंदन से पहली बार हिंदुस्तान देखने आया है। भूषणदीप ने अपना लहजा नरम करते हुए कहा, पिताजी इस जवान को तो सच्चाई बताना और भी जरूरी है, ताकि ये देशभक्ति के खोखले नारों में फंसने से पहले ही अकल सीख ले, इसे भी अपने बुजुर्गों की गलती का पता लग जाए। मैंने मासूमियत से पूछा, कैसी गलती भूषण जी? उसने एक बार मुझे देखा और कहा, भाई तेग बहादुर,
हमारी धरती पर कई सौ साल से काबिज अंग्रेज अपने हालात से मजबूर होकर इस देश का बंटवारा करने पर मजबूर हो गए थे। जिन्ना साहब होशियार थे, उन्होंने अपनी कौम के लिए अलग वतन मांग लिया। हमारे बुजुर्ग हिंदुओं के झांसे में आकर उनके साथ ही लग गए और अब हिंदुस्तान में अकलियत बनकर रह गए हैं। अगर जिन्ना साहब की तरह अलग कौम के लिए अलग वतन का मुतालबा करते तो शायद आज सिख कौम अपने वतन में आजादी की जिंदगी गुजार रही होती। वो शायद अपने बाप से इस मौजू पर वक्तन फवक्तन बहस मुबाहसा करता रहा होगा और बूढ़ा सिख उसकी दलीलों का खातिर खा जवाब देने से कासिर रहता होगा। लिहाजा उसने इस मौके पर भी दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर इक्तफा किया। बोला, अच्छा छोड़ो इस बहस को, किसी और मौजू पर बच्चे से बात करते हैं। मुझे तो ये अपनी उम्र से ज्यादा समझदार लगता है। मुशनदीप भी शायद बात बढ़ाना नहीं चाहता था, लिहाजा वो मुझसे मेरे बारे में मजीद मालूमात हासिल करने लगा। मैंने उसे बताया कि मैंने पटियाला रियासत के तारीखी पस मंजर के बारे में दिलचस्प बातें सुनी हैं और अब वहाँ मुनक्किद होने वाले किसी सालाना मेले का सुनकर वहाँ की सैर करने जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर बुजुर्ग सरदार जी के चेहरे पर खुशी और जोश के मिले जुले तासुरात उभरे। वो झुके और हाथ बढ़ाकर मेरे शाने पर थपकी दी। बोले, ओए शाबाश ऐ जवान, हुलिये से तू बाबू लगता है पर धर्म से प्रेम करता है। मैंने जल्दी से कहा, मुझे धर्म की कोई समझ है और ना ही कोई दिलचस्पी, मैं तो तफरी के लिए जा रहा हूँ, इसी बहाने पंजाब भी देख लूंगा। मेरे पिताजी बहुत तारीफ करते थे पांच दरियाओं की धरती की। ब्राह्म सिंह जी मेरी बात सुनकर पुरजोश लहजे में बोले, यार तुम पंजाब में दो चार दिन गुजार के तो देखो, दिल खुश हो जाएगा। सेहत बख्श आबो हवा, मोहब्बत करने वाले लोग, मेहमानों पर जान छिड़कने वाले, ताकत से भरपूर खाना पीना, मुझे तो लगता है तुम विलायत वापस जाने से इनकार कर दोगे। बाप की जबान से ये बातें सुनकर बुशनदीप ने कहा, मगर ये सब नेमतें इसे मिलेंगी कहाँ, ये किसी गांव नहीं पटियाला शहर जा रहा है। वहाँ होटल छोटल में चार छह दिन गुजारेगा, मोटर में शहर की सड़कों पर घूमेगा और फिर दिल्ली या बम्बई वापस चला जाएगा। बेटे की बात में वजन जांच कर बड़े मियाँ के चेहरे की रौनक मांद पड़ गई। वो चंद लम्हे के लिए गहरी सोच में पड़ गया, फिर उसने पजमुर्दा से लहजे में कहा, पुत्र बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पटियाले में। अचानक वो बात अधूरी छोड़कर मुझसे मुखातिब हुआ, एक बात बता तेग बहादुर पुत्र, तेरा पटियाला शहर में ठहरना जरूरी है? मेरा मतलब है तुम हमारे मेहमान बनकर हमारे साथ छाजली कस्बे से दो मील के फासले पर वाके हमारी जरी अराजी पर चलकर ठहरो। वहाँ वाहेगुरु की कृपा से हमारी हवेली है, खेत खलियान है, माल मवेशी भी हैं। वहाँ तुम्हें हमारा सोना पंजाब अपने असल रंग में नजर आएगा। वहाँ से पटियाले में मेले का चक्कर लगाते रहना। मैंने दिल ही दिल में खुश होते हुए लेकिन बजाहिर नीम दिली से पूछा, आपके गांव से पटियाला कितनी दूर है? मेरे सवाल का बुशनदीप ने जवाब दिया, बोला, फासला तो लगभग 45 मील है, लेकिन हवेली में दो गाड़ियां और तीन मोटरसाइकिलें हैं। मैं मेले के दिनों में खुद तुम्हें पटियाला ले चलूंगा। सुबह से शाम तक दोनों वहां घूमे फिरेंगे और रात को हवेली वापस आ जाएंगे। जीप में सिर्फ डेढ़ दो घंटे का तो सफर है। इस मरहले पर दोनों सरदारों की घरवालियां भी मुझे मेहमान बनाने की मुहिम में शामिल हो गईं और उन सब के इसरार पर मैंने मजबूरन पटियाला जाकर रहने की बजाय छाजली कस्बे के निवाह में वाके उनकी हवेली में कयाम की दावत कबूल कर ली। बुशनदीप ने बताया कि उनके कस्बे जाने के लिए हमें मानसा कस्बे से लगभग 10 मील आगे बुढ़ालडा रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जहां हवेली से आई हुई गाड़ियां हमारी मुंतजर होंगी। छाजली पहुंचने के लिए हमें लगभग एक घंटे का सफर मजीद तय करना पड़ेगा। इस दौरान में पंजाब मेल खासी मुनासिब रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। बम्बई से रवाना होने के लगभग एक घंटे के बाद ट्रेन 5-7 मिनट के लिए कल्याण रेलवे स्टेशन पर ठहरी। बुशनदीप ने वहां से मुझ समेत सब घर वालों के लिए चाय खरीदी। इस दौरान में बुशनदीप की घरवाली अमृता कई मंजिला भारी भरकम टिफिन खोल चुकी थी। मैंने बुतेरा कहा कि मैं काफी भारी नाश्ता करके ट्रेन में बैठा हूं, लेकिन उनके इसरार पर मुझे मुरगन नाश्ते के चंद लुक्मे खाने पड़े। मैंने अंदाजा लगाया कि वो पूरा खानदान खासा खुश खुराक वाके हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखते ही देखते खाने की भारी मकदार का सफाया कर दिया था। हत्ता के बजाहिर धान पान नजर आने वाली बूढ़ी सरदारनी सिखौंती कौर भी बड़बड़ कर हाथ मारती रही। अमृता शायद सफर की तैयारी की वजह से रात की नींद पूरी न कर सकी थी। चुनाचे सब घर वालों को नाश्ता करवाने और चाय पिलाने के बाद वो ऊपर वाली सीट पर लेट गई और कुछ ही देर में खर्राटे लेने लगी। नीचे की एक सीट खाली होते ही बुशनदीप ने अपनी माँ को खाली सीटों पर आराम से बैठने या लेटने की सलाह दी। दोनों बच्चियों के लिए एक सीट की जगह काफी थी, चुनाचे बयक वक्त तीन सीटें बड़ी बी के कब्जे में आ गईं, जो उस मुख्तसर कामत औरत के लिए काफी थीं।
चुनाचे वो भी खेस लपेट कर हमारी तरफ पीठ करके सो गई। कुछ देर के बाद बुशनदीप ने अपने बाप को मेरी सीट पर जाने का कहा और मुझे अपने साथ बैठने की दावत दी, जो मैंने कबूल कर ली। अलबत्ता ब्रह्मदीप सिंह सीटों की तरतीब तब्दील होने से कुछ ज्यादा मुतमईन दिखाई न दिए। मुझे जल्द ही उसके बदमजा होने की वजह भी समझ में आ गई। वो बखूबी जानता था कि उसका बेटा मुझसे उस मौजू पर मजीद बात करने के लिए अपने पास बिठा रहा है, जो उसके लिए कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं था, यानी सिख कौम का अलग देश। चुनाचे मेरी सीट संभालते ही हमारी तरफ से लातालुक हो गया और खिड़की से बाहर पीछे की तरफ दौड़ते मनाजिर पर अपनी नजरें जमा दी। ताहम बुशनदीप ने इब्तिदा में अपनी पसंदीदा मौजू पर बात करने की बजाय मुझसे इंग्लैंड में मेरे मशागिल के बारे में पूछा। मैंने कदरे सोच कर अपनी गढ़ी हुई कहानी जुजियात समेत सुनाना शुरू की। मैंने कहा, मेरे बाबा जी को वाहेगुरु ने बुलाया तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ज्योग्राफी पढ़ रहा था, लेकिन ब्रेडफोर्ड में बाबा जी का रेस्टोरेंट संभालने के लिए मैंने तालीम छोड़ दी। बुशनदीप ने कहा, ये तो बहुत समझदारी का काम किया भाई, अपना काम तो पूरी तवज्जो मांगता है। मैंने कहा, दरअसल बाबा जी के एक बहुत ही अजीज दोस्त मोहम्मद सुलेमान गुज़श्ता 10 साल से रेस्टोरेंट की तमाम जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। बाबा जी भी महज निगरानी करते थे। मैं भी सुलेमान चाचा के काम में बहुत कम मुदाखलत करता हूँ, क्योंकि वो इंतहाई काबिल एतमाद ही नहीं अपने काम में भी माहिर हैं। वो खुद ही मुझे रेस्टोरेंट चलाने के गुर सिखाते रहते हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है और वो मुझे अपने बेटे की जगह समझते हैं। मैंने उसे बताया कि मुझे क्रिकेट से गहरी दिलचस्पी है और मैं क्लब की सतह तक क्रिकेट खेल चुका हूँ। बुशनदीप ने बताया कि वो कभी क्रिकेट खेला तो नहीं, अलबत्ता उसे देखने से काफी दिलचस्पी है। वो उन दिनों जारी हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज के रूखी फीकी होने का गिला करता रहा। अलबत्ता मैंने दोनों मुल्कों के क्रिकेट मुकाबलों में कोई खास दिलचस्पी न दिखाई। हस्ब तवक्को वो रफ्ता रफ्ता अपने पसंदीदा मौजू पर आ गया। बोला, देख मेरे भाई तेग बहादुर, अगर तुम्हारा ताल्लुक हिंदुस्तानी पंजाब से होता तो मैं इस मौजू पर तुमसे कभी बात न करता, लेकिन क्योंकि तुमको हमारी कौम की तारीख का कुछ नहीं पता, इसलिए ये सब तुम्हारे इल्म में लाना चाहता हूँ। मैंने कहा, बुशनदीप भाई, आप वो अलग देश वाली बात तफसील से बताएं, मुझे उसमें दिलचस्पी महसूस हो रही है, ये सब मुझे पहले किसी ने नहीं बताया। बुशनदीप सिंह ने चंद लम्हों तक खामोश रहकर गोया अपने ख्यालात यकजा किए और फिर कहा, पहली बात तो ये कि हमारी कौम के लिए अलग देश की सोच रखने वालों की अक्सरियत अपने वतन के लिए खालिस्तान नाम पर मुत्तफिक है। ये नाम हमारी कौम के एक दूरंदेश सपूत डॉक्टर वजीर सिंह भट्टी ने मार्च 1940 में एक पंफलेट में तजवीज किया था, जो मुसलमानों की जमात की तरफ से लाहौर में अपने जलसे में अपना अलग वतन बनाने के करारदाद के जवाब में लिखा था। मैंने अपनी दिलचस्पी जाहिर करने के लिए लहजे में इश्तियाक भरते हुए पूछा, उस पंफलेट में और क्या लिखा था? बुशनदीप ने एक नजर ऊंघते हुए बाप पर डाली और फिर जवाब दिया। बोला, डॉक्टर वीर सिंह का कहना था कि पाकिस्तान धर्म की बुनियाद पर बनाया जा रहा है और पंजाब के बहुत से ऐसे हिस्से पाकिस्तान में शामिल किए जा रहे हैं जहां बड़ी तादाद में सिख आबाद हैं। इसलिए उसने मुतालबा किया कि पंजाब के कुछ इलाकों को मिलाकर खालिस्तान के नाम से सिखों का भी अलग मुल्क बनाया जाए। मैंने जल्दी से कहा, इंसाफ की बात करो तो उसका मुतालबा तो ठीक है। बुशनदीप ने कदरे उदास लहजे में कहा, लेकिन उसका ख्वाब इसलिए हकीकत नहीं बन सका क्योंकि उस वक्त पंजाब के किसी एक जिले में भी सिख अक्सरियत में नहीं थे, लेकिन तकसीम हिंद के बाद चूंकि पाकिस्तानी पंजाब से सारे सिख हिजरत करके हिंदुस्तानी पंजाब के मुल्हिका जिलों में चले गए थे, तो वहाँ कुछ जिलों में सिख अक्सरियती इलाके वजूद में आने लगे। अलबत्ता खालिस्तान की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए ये तब्दीलियाँ काफी नहीं थी। ब्रह्मदीप सिंह ने आंखें तो बंद कर रखी थीं, लेकिन उनके कान शायद हमारी ही बातों पर लगे हुए थे। उनकी बर्दाश्त जवाब दे रही होगी। चुनाचे हमारी बात यहीं तक पहुंची थी कि उन्होंने आंखें खोल दी और बज़ाहिर बेतासुर लहजे में मुझे मुखातिब किया। बोले, बेटा बैठे बैठे कमर दुख गई है, तुम इधर अपनी सीट पर आ जाओ, मैं जरा कमर सीधी कर लूं। मैंने बिला तारुज़ उनकी बात मान ली। बड़े साहब ने अपने बेटे की गोद में सर रखा और घुटने मोड़ कर दो सीटों पर लेट गए। इस तरह कम से कम वक्ती तौर पर खालिस्तान की कहानी ठहर गई। अलबत्ता पंजाब मेल खासी सुबक रफ्तारी से मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। अगले 3-3.5 घंटे मजीद किसी काबिल जिक्र वाक्य के बगैर गुजरे।